ऐसे दुष्टों को अगले चौराहे पर निपटने की जो बात कही है। जाति है जो उनके जात के हैं उनका जो है कोर्ट में सरेंडर करा दिया जा रहा है, जो दूसरे जात के हैं जो दूसरे धर्म के हैं उनको जो है इनका गलत बात है। इसी मिल्कीपुर विधानसभा में मान्यवर आप पता कर लीजिए, सिधारी बाजार चले जाइए, इनका भी बुलडोजर चलता था। आदरणीय पंडित शीतला प्रसाद वाजपेयी का आप घर पता कर लीजिए, इतने बड़े वो दोषी नहीं थे मान्यवर, उनका 5 कमरा बना था और उन्होंने वोट नहीं दी थी, बगावत की थी इनसे खुलेआम। उन्होंने क्या किया, उनका 3 कमरा जेसीबी से लगा के ढकेलने का काम किया था, तब समाज कहां बोलने के लिए खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन होना है, इसके लिए सपा ने चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतार दिया है और उदेश प्रसाद के बेटे मैदान में हैं। ऐसे भाजपा अभी तलाश रही है कौन से चेहरे सामने आएंगे। ऐसे में जो जिस नाम की चर्चा चल रही है गोरखनाथ बाबा हैं, विधायक भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद भैया, आपके चैनल के माध्यम से मैं वो संदेश देना चाहता हूँ, आप खूब तरक्की करें, आपके चैनल को खूब लोग देखें, आप नंबर वन पर जाएं, यही मैं प्रभु राम से कामना करता हूँ। सपा ने तो उतार दिया है चुनावी मैदान में, भाजपा इंतजार कर रही है, किस बात का? नहीं देखिए, पहले तो भाजपा की आप परंपरा जानिए, भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट कभी भी जब नामांकन डेट के 2 दिन पहले उतारती है, यहाँ कैंडिडेट कमल का फूल होता है। हमारी पाठशालाओं में, हमारी कार्यशालाओं में यही पढ़ाया जाता है। ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, संगठन की पार्टी है। जब डेट आ जाएगी, डेट के 2-3 दिन पहले हम प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं और करते आए हैं। अयोध्या लोकसभा जो है बीजेपी हार चुकी है, अब मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में क्या होना, विधानसभा में क्या होना, उकर बाप ने वहाँ हराया, बेटे बेटा यहाँ हराएगा? देखिए उनसे हमारे 3 मुकाबले हुए हैं, इसी बेटे को हम लोग उनके पिताजी जब कैबिनेट मंत्री थे तो 3416 वोटों से हरा दिया था और उनके पिताजी को हमने 29,000 वोटों से हराया था। 22 में हम स्वयं उनसे 12,200 वोटों से तब हारे जब उन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया, पैसे की बोरी खोल दी, 6-6 प्रत्याशी एक तरफ हो गए, तब कहीं से जाके वो 12,200 से जीते जरूर, पर हमारा वोट बैंक 3800 बढ़ गया था। तो हमारी ना तो लोकप्रियता में कहीं कमी आई, ना हमारे चाहने वालों में कमी आई। और ये उपचुनाव है, लोगों के मन में एक द्वंद्व है, एक पीड़ा है, वो पल रहा है दिन का दिन, वो समय का इंतजार कर रहा है। जैसे बिगुल बजेगा, इस अंगूठे से इतना ईवीएम दबेगा कि आप देखिएगा 30-35 हज़ार से उनको हरा के भेजा जाएगा। बाबा जी का बुलडोजर जो है जाति विशेष देखकर चल रहा है? नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी सुल्तानपुर में जो लूट कांड हुआ था उसके एक आरोपी मंगेश यादव का जब इनकाउंटर होता है तो सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, आज जौनपुर में डेलीगेशन भी पहुंचा है मंगेश यादव के घर पर, मृतक के घर पर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा उनका डेलीगेट पीडीए के साथ क्यों नहीं पहुंचता अगर खड़ा है तो? भदरसा में वो जो बच्ची है निषाद परिवार की, उनके यहाँ क्यों नहीं डेलीगेट पहुंच जाता है? उधर तो उनके पैरवी में लिखते हैं उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, ऐसी बात लिखने को उनको ज़रूरत पड़ती है? हमारे इसी मिल्कीपुर विधानसभा में रायपट्टी में कोरी समाज की बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है, ना तो कोई यहाँ का नेता गया समाजवादी का, एक अक्षर ना बोलने को तैयार है ना एक अक्षर लिखने को तैयार है। उसी समुदाय मुस्लिम समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, 5 साल की मासूम बिटिया के साथ दालमोट खिलाने के बहाने उसके साथ रेप होता है। पूरा पीडीए कहाँ बैठा था, एक शब्द नहीं बोला, और बोला भी तो कह रहा कि उसका दिमाग विकसित था। अरे विकसित था तो अपने घर में कुछ कुकर्म कर लिए होते, उस दलित परिवार की बिटिया के साथ आपने क्यों किया? ये छलावा है और उसी का परिणाम आ अयोध्या भुगत रहा है। हल्का से चूक हो गई और गलत आदमी सांसद बन गया और गलत लोगों को आज संरक्षण मिल रहा है, जिसका खामियाजा अयोध्या जिला झेल रहा है। हमारी हिंदू बहन बेटियां तीसरी या चौथी घटनाएं घटी है, पर ये बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है और ना उनकी गोली रुकने वाली है। ऐसे दुष्टों को अगले चौराहे पर निपटने की जो बात कही है, जाति है जो उनके जात के हैं उनका जो है कोर्ट में सरेंडर करा दिया जा रहा है, जो दूसरे जात के हैं जो दूसरे धर्म के हैं उनको जो है गलत बात है। इसी मिल्कीपुर विधानसभा में मान्यवर आप पता कर लीजिए, सिधारी बाजार चले जाइए, इनका भी बुलडोजर चलता था। आदरणीय पंडित शीतला प्रसाद वाजपेयी का आप घर पता कर लीजिए, इतने बड़े वो दोषी नहीं थे मान्यवर, उनका 5 कमरा बना था और उन्होंने वोट नहीं दी थी, बगावत की थी इनसे खुलेआम। उन्होंने क्या किया, उनका 3 कमरा जेसीबी से लगा के ढकेलने का काम किया था, तब समाज कहां बोलने के लिए खड़ा था। जब ये बात समाज के वरिष्ठ लोग ब्राह्मण जन उनके पास जाते हैं तत्कालीन मंत्री के पास और उनको बताते हैं तो उनकी यही बात नहीं रुकती है, उनको जब समझ में आता है कि 2 कमरा और रुका है
पुनः दूसरे दिन जेसीबी भेजी जाती है और उनके पूरे कमरे को पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है, तब बुलडोजर की बात क्यों नहीं चली। अखिलेश यादव कह भी रहे हैं कि अब जो है हैंडल जो है गोरखपुर की तरफ जाएगा। कहने दीजिए, बुलडोजर उधर ही जाएगा गोरखपुर की तरफ। बुलडोजर हर शासन काल में चला है, कोई पहली बार बुलडोजर नहीं चला है। कलेजा चाहिए कि स्टेयरिंग किसके हाथ में है बुलडोजर की। स्टेयरिंग इस बार बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में आ गई है। ईमानदार एक फक्कड़ी आदमी के हाथ में स्टेयरिंग आ गई है। हाउस में उन्होंने कह दिया कि मुन्ना हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, सम्मान तो हमको मठ में भी मिलता है, ये उत्तर प्रदेश है, इसको उत्तम प्रदेश बनाने आए हैं और गुंडों को जहाँ स्थान है वहाँ भेजने के लिए आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं मठे में भेजेंगे, कहने दीजिए। मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए, जनता तय करेगी। और अभी तो ये 10 सीटों का फैसला आपके सामने है, इसी से फैसला हो जाएगा 27 में किसके हाथ में बाजी है। इसी से फैसला हो जाएगा, मिल्कीपुर फैसला करके बता देगा, मिल्कीपुर फैसला करेगा। जब उनके जिनको वो तत्काल तथा कथित राजा बता रहे हैं उनको जब 50,000 तो यहाँ की जनता हरा के भेजेगी तो उनके दिमाग खट्टे हो जाएंगे, ये सपना देखना भूल जाएंगे, सपना देखना भूल जाएंगे, एकदम भूल जाएंगे। वो जो है सपा का जो प्रत्याशी उतार चुके हैं पूरी मैदान में है पूरी तरह से। अरे तो यहाँ कौन कम है, यहाँ तो 29 प्रत्याशी उतर पड़े हैं, 29 प्रत्याशी उतर पड़े हैं। एक गुमक में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी खड़ी मिल जाए। और यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर सिंबल चुनाव लड़ता है मान्यवर, कमल का फूल लड़ता है, यही हम लोगों को सिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सिखाया गया है। तो कह रहे थे भाजपा का आपस में ही सब अंदर गड़बड़ चल रहा है, सरकार का कुछ अपना चल रहा है, बाबा जी का कुछ अपना चल रहा है, दिल्ली में कुछ अपना चल रहा है। देखिए उनको ऐसे नहीं टीपू सुल्तान कहा गया, जिसका जैसे व्यवहार होगा, जिसका जैसा खान पान होगा, जिसकी जैसी विचारधारा होगी, जिसकी जैसी सोच होगी, मंच से अपने पिताजी का माइक जो है हमारे पार्टी में नहीं खींचने का चलन है, अपने चाचा को भगाने का हमारे पार्टी में नहीं चलन है। तो चाचा जी साथ में है, अब आ गए ना, हमारे में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब टक टक चल रहा है, सब टक टक। यादव को आपका पद जो है पसंद नहीं आ रहा है महिला अध्यक्ष वाला, अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि सपा में फिर से चली जाएं। उनका मन है, उनका मन है, उनका मन थोड़ी ना हो जाएंगे भैया। पर ये आप जानिए, ये संस्कारी पार्टी है, ये विचारधारा की पार्टी है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ना परिवारवाद इसमें है। इसमें जो काम करेगा बाबा गोरखनाथ, एक बूथ अध्यक्ष से लेके सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी ने विधायक बनाया है, पता नहीं काव बनाए दिए। क्या बात है, पता नहीं काव बनाए दिए। धामी जी रहे यही लखनऊ में पढ़त रहे, हमारे भी दोस्त थे। अच्छा, और हम नहीं जाने के मुख्यमंत्री बन गई हैं। और अभी आप हाल में देखिए वो जो यादव जी बने हैं, मोहन यादव बताते हैं पिछवा बैठा है, तो कठपुतली अखिलेश। अरे कहा दिया उनके कहेस कठपुतली बाटे, एक राज समर्थे ना अंत में 13 राज में सरकार बनाए हैं विचारधारक बल पे भैया, उनके कहे से इतिहास पलट जाए। यही प्रदेशों से आगे निकलते एक सीट पर यादव का वोट लेना था, इसीलिए जो है मोहन यादव को बना दिए यादव को, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। 29 के 29 सीटें तो ले लिया भाई ने हमारे, 29 के 29 सीटें लेके दिखा दिया, नहीं दिखा दिया उस फोरम पे बात करे, 29 के 29 सीट आई ना मोहन यादव जी के, उसमें 29 के 29 सीट आई नहीं आई, तो दिखा दिया पार्टी ने। लेकिन अखिलेश यादव इस बार जिस तरीके से लोकसभा में जो उनका रिजल्ट आया पूरी तरह से सभा पे है। देखिए जनता के जो भी निर्णय हो उनका सम्मान करना चाहिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं है भैया, कहीं 20,000 वोट थे, कहीं 25,000 वोट थे, कहीं 50,000 वोट थे, सेकंड में तो रहे ना, एक दमदार पार्टी, एक दमदार विपक्ष के रूप में तो हम यूपी में ही हैं। हे भैया उनका 99 सीट पाक बहुत खुश है, उनका अंक गणित नहीं आवत है, बताओ आप। हम तो 272 पाएन के, 300 कुछ फीट पाएन के नहीं गठबंधन मिला के, 442 हमारे बाग नहीं बाय, 242 और उनके 99 बाय, वह 543 में पावत है, कम जीतत रहन यहाँ बार ज्यादा जीते। अरे तो का भवा जीतत है उनके स्वागत बाय, पर जिस तरीके से वो सपने और बनाते हैं बुनते हैं, कहे बीजेपी आएगी संविधान खत्म हो जाएगा इसीलिए जो है सब मिलकर वोट कर दिए। देखिए बहुत चीज इनके झूठ का जो पुलिंदा था, खटाखट झटाझट पटापट, उसमें जनता थोड़ा फंसी, और जो खटाखट में जनता फंसी है, फंस गई। हाँ। और इनके झूठ का आप याद करिए, 19 में इनका राफेल का झूठ चला मान्यवर, खूब राफेल राफेल चला,
कोई काम नहीं कराया। इस बार वो संविधान की किताब लिखे घूम रहे थे कि बदल जाएगी बदल जाएगी बदल जाएगी। अरे उनको ये समझना चाहिए, संविधान दिवस मनाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है, मनवाने वाला प्रधानमंत्री है, तो अपने मोदी जी ने इसको शुरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।